मेरे साथ रमन सिंह जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रमन सिंह जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, इमरजेंसी कैसे याद करेंगे आप, क्योंकि आप भी वो सिपाही हैं जिन्होंने इमरजेंसी में सरकार से लोहा लिया था। इमरजेंसी के दौर को और उस जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में एक वातावरण का निर्माण हुआ था और जो भय और आतंक की राजनीति उस समय शुरू हुई थी, लोगों को उठा के सीधे जेल बिना किसी कारण बताए, बिना किसी विषय के, तो उस दौर को हमने देखा है। और आपातकाल के उस दौर को ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास का सबसे काला अध्याय यदि कुछ हो सकता है तो आपातकाल का दौर था, जो इस देश के इतिहास में मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान की राजनीति में इसको कोई दोहरा नहीं सकता, क्योंकि इसके दुष्परिणाम को भी देश ने देखा है। आपने कहा दुष्परिणाम को देखा है, आज राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि मेरी दादी खुद कह के गई कि ये तो भाई गलती थी, तो आपको नहीं लगता गांधी परिवार को अब इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए? निश्चित रूप से गलती जब आते आते और राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया, देश के सामने स्वीकार किया, टीवी और मीडिया के सामने स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से इससे बेहतर और क्या होगा कि देश की जनता के सामने कम से कम उस दौर में जो हजारों लाखों परिवार जेल के अंदर ठूस दिए गए, 19 महीने पूरे देश कटघरे में बदल गया, और उन परिवारों की यातना और पीड़ा के लिए यही अवसर है जब क्षमा मांगना चाहिए देश से कि लोगों के जीवन में जिस प्रकार कष्ट आए। तो ये राहुल गांधी ने यदि इसको स्वीकार किया है तो उसको देश की जनता के सामने माफ़ी भी मांगना चाहिए। आपने कहा माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन क्या इससे दाग धुल जाएंगे रमन सिंह जी? दाग से धुलेंगे नहीं, मगर कम से कम उन लाखों परिवारों को इस बात का तो एहसास होगा कि उनके परिजनों ने जो पीड़ा झेली है, जो यातनाएं झेली है, उसके लिए कोई माफ़ी तो मांग रहा है देश की जनता से। उन परिवारों का घाव में मरहम तो लगेगा, थोड़ी उनको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि कम से कम इस पीढ़ी किया, मगर इस घटना को और इस आपातकाल को कोई इसको ना भूल सकता ना इसको कोई माफ़ कर सकता, क्योंकि ये वैसे राजनीति का एक ऐसा दौर था जो यानी लोगों को जितनी प्रताड़ना दे के गया है तो लोग भूलेंगे कैसे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या इमरजेंसी को लाना और इमरजेंसी की बात करना, क्या राहुल गांधी की कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लगती है आपकी कि भाई पुरानी गलतियों पर गलत कह दिया जाए, क्षमा मांग ली जाए, या सरसरे तौर पर उनसे निकल लिया जाए और कहा जाए अब तो हम गंगा जल से नहा के पवित्र होके आ गए हैं, जैसे प्रियंका गांधी ने डुबकी लगा दी, अब हमको आप वोट दीजिए? जिस दौर से ये निकल रहे हैं, जितनी छटपटाहट इनके अंदर है और कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। अब उनको लगता है कि उस रास्ते को तलाशते तलाशते एक रास्ता और एक दरवाज़ा ये भी खोलना चाहते हैं कि शायद देश की जनता उनको माफ़ करे। क्या देश की जनता इस घटना के लिए माफ़ करेगी? देश की जनता दिल्ली में जितना बड़ा नरसंहार हुआ था उसके लिए माफ़ करेगी? ना जाने कितनी घटनाएं हैं जिसको लेकर लोगों के मन में एक प्रकार से कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के लिए गए निर्णय के प्रति मन में कटुता है। उस कटुता के भाव को नीतिगत विषयों में जो निर्णय लिए, जो देश को पीछे करने वाले थे, ये निर्णय वापस पलट तो नहीं सकते, और इसलिए आज कांग्रेस की पूरे देश में जो हालत हुई है वो ऐसे निर्णय की वजह से हुआ है। एक परिवार
और एक परिवार के द्वारा लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन जब पूरी पार्टी करती है तो ये इसका यही ये हालत होती है जो आज कांग्रेस की दिख रही है। और ये उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनको लगता है कि कोई ऐसा रास्ता मिले जिसमें देश की जनता कांग्रेस को एक बार क्षमा करके फिर इनको आशीर्वाद मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन सिंह जी, आप हमसे जुड़े।